तो आज फियर टू फैदम आयरन बार लुकआउट बनाने का डे 4 है और आज हम लोग ना हमारा लेफ्ट साइड का जो जंगल एरिया है उसको बनाने वाले, जिसके लिए पिछले वीडियो में हमने दो साइड का डिज़ाइन बना लिया था जिसको हम लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो फटाफट आज हम लोग लेफ्ट साइड को बना लेते हैं जल्दी से। तो इसमें टोटल मैं 3 लेयर लगाने वाला हूँ। पहला जो रहेगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा और ये थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, और दोनों सेम साइज के पेड़ लेंगे, लेकिन थर्ड वाला लेयर में वो बड़े बड़े पेड़ आएगा। तो ये रहे वो दोनों स्ट्रक्चर जिसको हमने बना के रखा था, एक लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए। तो ये वाला जो ये राइट साइड के लिए, जिसका नाम मैंने T1 रखा है, और ये लेफ्ट साइड वाला, तो अभी हमको लेफ्ट साइड वाला चाहिए। और ये कोल का ब्लॉक मैंने बताया था मैंने क्यों लगाया करके। तो ये हमारा हो गया सेफ। अब फटाक से इसको भी पूरा जगह हम लोग लगा लेते हैं। तो फाइनली हमारा तीनों लेयर लग चुका और ये कुछ दिखने में इस टाइप से लग रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। क्रिएटिव में होकर के तुमको लग रहा होगा कि तो काफ़ी छोटा जगह लग रहा है, लेकिन आप एक बार सर्वाइवल में आ जाओगे ना तो ये जंगल आपको काफ़ी बड़ा लगने लग जाएगा, और सेम टू सेम फियर टू फैदम वाली वाइब आपको थोड़ा थोड़ा मिलने वाला है। अब रियल फियर टू फैदम में एक साइड में बाउंड्री लगी रहती है, वॉल रहती है, तो वॉल को भी मैं बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो ये अपना डायोरेट का नहीं होता वॉल, उसको ना मैं बार बार कॉपी पेस्ट करके सिर्फ लेफ्ट साइड ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसी साइड हमको इम्पोर्टेंट है। और इसी साथ अब मैं वीडियो को एड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट, एक फेस को मैं कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहो मेरे साथ और ये मैप को हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल से 10 डेज़ में ये मैप पूरा बन के रेडी हो जाएगा तुम्हारे खेलने के लिए।